नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मिश्रा। आज हम बात करेंगे मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की, जिन्हें आज बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2006 के लखन भैया एनकाउंटर मामले में प्रदीप शर्मा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। प्रदीप शर्मा कौन है और लखन भैया फेक एनकाउंटर मामला क्या है, ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2006 का लखन भैया फेक एनकाउंटर मामला क्या है। ये कहानी है 11 नवंबर 2006 की, जब लखन भैया उर्फ राम नारायण गुप्ता को मुंबई के पास वाशी इलाके से अगवा करके उसे मुंबई लाया गया था और मुंबई के वर्सोवा इलाके में नाना नानी पार्क के पास शाम के वक्त उसका फेक एनकाउंटर कर दिया गया था। इस पूरे मामले में 13 पुलिस वाले समेत कुल 11 आरोपी थे। साल 2013 में जब इस पूरे मामले पर सेशंस कोर्ट का फैसला आया, तब सभी जो 21 आरोपी थे उन्हें कोर्ट ने आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात सामने आई वो ये थी कि इस पूरे मामले में जो आरोपी नंबर वन थे यानी पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, उन्हें ही कोर्ट ने एक्विट कर दिया, यानी कोर्ट ने उन्हें बेकसूर बताते हुए इस पूरे मामले से बरी कर दिया। प्रदीप शर्मा के बरी होने के बाद अलग अलग करीब 13 से 16 बॉम्बे हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन और याचिका दर्ज हुई। जो आरोपी बने थे उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, जबकि लखन भैया उर्फ राम नारायण गुप्ता के परिवार की तरफ से याचिका दर्ज की गई थी प्रदीप शर्मा और उन आरोपियों के खिलाफ जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई थी। परिवार चाहता था कि आरोपियों को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा हो। यह मामला पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर महीने में इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। अब हम बात करते हैं कि प्रदीप शर्मा कौन है। आपको बता दें कि प्रदीप शर्मा 1983 बैच के मुंबई पुलिस के वो ऑफिसर हैं जिन ऑफिसर्स को मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड में शामिल किया गया था। ये वो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया किया था। लेकिन इस बीच प्रदीप शर्मा और उनसे जुड़े जो तमाम जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उन पर कई तरह के अंडरवर्ल्ड से संपर्क होने और तमाम दूसरे आरोप लगते रहे। आप बता दें कि प्रदीप शर्मा पर एक आरोप ये भी लगा था कि प्रदीप शर्मा के दाऊद इब्राहिम से करीबी रिश्ते हैं, इसी वजह से उन्हें ड्यूटी से सस्पेंड भी कर दिया गया था। प्रदीप शर्मा के जीवन में कहा जाता है कि उन्होंने 112 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं। साथ ही आप बता दें कि प्रदीप शर्मा के खिलाफ आय से अधिक प्रॉपर्टी का भी मामला दर्ज था, वो भी मामला जो है वो चल रहा था। लेकिन जब साल 2013 में कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया यानी कि सभी मामलों से बरी कर दिया, खासतौर पर लखन भैया एनकाउंटर का जो मामला था उसे जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उसके बाद साल 2017 में प्रदीप शर्मा एक बार फिर से महाराष्ट्र पुलिस को उन्होंने ज्वाइन किया। साल 2017 में जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो उन्हें थाने एंटी एक्सटॉर्शन सेल का इंचार्ज बनाया गया। इस दौरान भी उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे। लेकिन फिर साल 2019 जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना था, उसके ठीक पहले प्रदीप शर्मा ने अपनी नौकरी से, अपनी पुलिस की ड्यूटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। ये वो शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, यानी जब शिवसेना डिवाइड नहीं हुआ था तब की शिवसेना उन्होंने ज्वाइन किया था और उस वक्त उन्हें नालासोपारा वसई विरार से विधानसभा लड़ने का मौका मिला था। हालांकि प्रदीप शर्मा ये चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी वो उस वक्त चर्चा में आए जब मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से एक्सप्लोजिव मिला। जांच में यह पता चला
कि इस पूरे मामले में जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई वो हत्या और एंटीलिया के बाहर एक्सप्लोजिव रखने की जो पूरी साजिश थी उसमें कहीं ना कहीं प्रदीप शर्मा जो है वो शामिल थे। बहरहाल प्रदीप शर्मा बेल पर बाहर थे लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्तों का समय दिया है और उन्हें इन 3 हफ्तों में खुद को सरेंडर करना है और अपना जो उन्हें सज़ा मिली है आजीवन कारावास की उम्र कैद की जो सज़ा मिली है अब उन्हें जेल में अपनी सज़ा काटनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।